मेरा नाम प्रोफेसर खालिद शेख है, मैं जिला पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड हूँ। क्योंकि अक्सर हमारा रास्ता अपने दोस्तों के साथ डिजीज डाइजेस्ट के थ्रू होता रहता है, जहाँ में उनके ओपिनियन का पता चलता है और बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। डिजीज डाइजेस्ट के कुछ दोस्तों ने कहा कि मैं इस सिलसिले में पार्किंसन के सिलसिले में कोई मैसेज कन्वे कर सकूँ, तो डिजीज डाइजेस्ट वालों को हम शायद मना नहीं कर सके। इशू ये है कि पार्किंसन ओल्ड एज की बीमारी है। अक्सर पेशेंट्स 50-60 साल की रिहाई या उम्र के बाद आते हैं और उनमें शुरुआत में बहुत ही ऐसी अलामत आनी शुरू होती हैं जिनको फैमिली और मरीज खुद भी नेगलेक्ट करते हैं और उनका ख्याल होता है कि ये एजिंग की वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ नाजुकी। कुछ लोगों में हाथों का कपकपाना, ट्रेमर, कुछ लोग वैसे ही अपनी डेली एक्टिविटीज में स्लो हो जाते और इवन कुछ लोग अपना बैलेंस कायम करने में भी उनके साथ इशू होते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में स्पेशली 70% पॉपुलेशन तो आपको पता है रूरल एरियाज में रहती है, गांव में, देहातों में रहती है, छोटे शहरों में रहती है। बड़े शहरों में भी न्यूरोलॉजी तक एक्सेस बहुत कम लोगों की है। पार्किंसन राशि के मरीज अक्सर बहुत लेट डायग्नोज होते हैं और उनको प्रॉपर आगाही और प्रॉपर गाइडेंस टाइम से नहीं मिल पाती। तो हमारा ये ख्याल है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए प्रिंट मीडिया के थ्रू, जैसे कि मैंने कहा डिजीज डाइजेस्ट और इस तरह के दूसरे हमारे मेडिकल जितने भी जर्नल्स हैं, बाकी जितने भी मीडिया हैं, आपका टीवी है, सोशल मीडिया है, हमें चाहिए कि जिस तरह न्यूरोलॉजी की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की आगाही कम है, पार्किंसन के बारे में भी ज़्यादा आगाही पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। पार्किंसन के मरीज को ये समझना चाहिए कि दवाई खाने से और अर्ली डायग्नोज होने से मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और ऐसे पेशेंट एक अच्छी जिंदगी दवाइयों के साथ और रेगुलर कंसल्टेशन के साथ गुजार सकते हैं। इसी तरह कोशिश करनी चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे भी फिजिशियंस में भी आगाही पैदा करने के लिए प्रिंट मीडिया के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू दूसरे डॉक्टर्स तक और जनरल प्रैक्टिशनर्स तक भी ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि वो किसी तरह पार्किंसन डिजीज की अलामत को अर्ली पिक कर सकें, डायग्नोज कर सकें। इनिशियली अगर खुद ट्रीट कर सकते हैं तो ट्रीट करें, नहीं तो टाइम पे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने से पहले कंसल्टेंट को रेफर कर सकें। मुझे उम्मीद है कि टाइम के साथ जैसे जैसे आगाही बढ़ेगी मरीजों की सफरिंग भी कम होगी और हमारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इसमें जितना इन्वॉल्व होगा बेहतर होगा। मैं ये उम्मीद रखूंगा कि डिजीज डाइजेस्ट भी इस सिलसिले में, इस आगाही को फैलाने के सिलसिले में काम करता भी रहा है और फ्यूचर में भी काम करता रहे। तो आखिर में मेरा ख्याल है कि बकरीद के हवाले से, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं, तो हमें पता है कि हम कोविड इरा में रह रहे हैं और अभी तक कोविड की वबाई प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। शायद हम ईद उल फितर पे भी गलती कर बैठे जिसकी वजह से पाकिस्तान में एक स्पाइक आया, लोगों ने समाजी मेलजोल बढ़ा दिया और मुझे अब भी खतरा है कि स्पेशली मंडियों में जहाँ पे जानवर लाए जाएंगे वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जमा हो सकते हैं और अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में दोबारा भी कोविड का पीक आ सकता है। अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस वक्त पर लास्ट फ्यू वीक बहुत अच्छा है, कोविड के केसेस दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गलती से, मास्क ना पहनने से, सामाजिक फासला ना रखने से और बद एहतियाती से, पार्टीज उड़ाने से कि कोविड दोबारा एक पीक ले और हमारे लिए बर्बाद जान बन जाए।
मेरी ख्वाहिश है कि आप सब लोग इस चीज़ का एहतियात करें और कोविड से बचाव के लिए पूरी तरह से एहतियात करें। थैंक यू।